बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे मेंबर्स, सारे बंधु, सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं इस चर्चा में, जिसे आज का जो विषय है वो भारत समाज हिंदू पूजा विधान है। ये हमारी थियोसफी का एक अभिन्न अंग है और इसको जो है डॉक्टर बिसेंट ने शुरू कराया था। पांड्या जी ने इसकी जो है वो संरचना की थी, कंपोज किया था। और इसमें जो है वो सब वेदों के मंत्र हैं और वेदों के मंत्रों का संकलन करके जो परम आत्मा है उसके जो शक्तियां हैं, जो विभिन्न देवों के रूप में हैं, जिसमें मुख्यतः अग्नि देव हैं, वरुण हैं, तेज देव हैं, मित्र देव हैं, विष्णु हैं, पुरुष हैं और शंकर जी हैं या महादेव हैं, इन सबका आवाहन किया जाता है और एक पूजा पद्धति है। और इसके विषय में लेडबीटर साहब ने भी बड़ा सुंदर लिखा है कि जब हम ये पूजा विधान करते हैं तो एक बड़ा ही सुंदर जो है वो मंदिर बन जाता है। और ये मंदिर जो है चारों तरफ जो है सारे लोक में दीवारें इसमें बन जाती हैं, जिससे बाहर की कोई बाधाएं जो है वो प्रवेश ना कर सके और हम इन बाधाओं से जो है रहित होकर के अपने पूजा विधान को जो है वो संपन्न करें। और इस मंदिर के ऊपर जो है वो खुला रहता है ताकि देवों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमको प्राप्त होती रहें, उनकी अनुराग जो है अनुग्रह हमको प्राप्त होता रहे। तो ज्यादा समय नहीं है क्योंकि लंबी पूजा है, तो मैं सीधे ही इसमें आ जाता हूं और जो मंत्र हैं वेदों के उनको मैं पढ़ूंगा। और चूंकि इसमें उच्चारण का बहुत महत्व है, जो भी मंत्र हैं उनका उच्चारण जो है वो सही होना चाहिए और उसको उनके अर्थ के साथ जो है इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो मैं प्रार्थना करता हूं, इसमें जो पुजारी है सबसे पहले वो पूजा को शुरू करता है, इसको हम अर्धव्यूह कहते हैं। जिनके पास ये पुस्तक है वो निकाल लें तो उनको सहायता मिलेगी। तो कहते हैं कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। पुजारी कहता है हरि ही ओम, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। वो कहता है कि जो अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थां गतोऽपि वा और किसी भी अवस्था को प्राप्त किया हुआ हो, या स्मरेत पुंडरीकाक्षं, जो कमल नयन विष्णु का ध्यान करता है, सबाह्याभ्यंतरः शुचिः, वो बाहर से और भीतर से पूर्णता जो है वो शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब इसके बाद सब लोग मिलकर के कहते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं जो शुद्धि का मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्यु कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद् रात्र्यः पापं कार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्याम् पदभ्याम् उदरेन शिश्नः रात्रिस्दवलुम्पतु यत् किं चादुरितं मयि इदं महं माम अमृतो यो नौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। कहता ओम सूर्यश्च, हे सूर्यदेव, मा मन्युश्च और मन के देवता, मन्युपतियश्च मन के जो पति हैं, जो मन के स्वामी हैं, मन्यु कृतेभ्या और मन द्वारा किए हुए जो पाप हैं, पापेभ्यो रक्षन्ताम, उन पापों से तुम हमारी रक्षा करो। यद् रात्र्यः पापं कार्षम, और रात्रि में जो भी मैंने पाप कर्म किए हैं, मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेन शिश्ना,
जो मन से हमने पाप कर्म किए हैं, वाचा वाणी से पाप कर्म किए हैं, हस्ताभ्याम जो हाथों से हमने पाप कर्म किए हैं, पदाभ्याम जो पैरों से किए हैं, उदरे जो शरीर से किए हैं, शुष्णा जो अपने जनन अंग से किए हुए हैं, रात्रिस देव लंपतु, हे रात्रि के देव तुम उन सब का पाप कर्मों का नाश कर दो। और यत किंचा दुरितम मई, और जो कुछ भी पाप शेष रह जाते हैं, इदम अहम उन पापों को, माम अमृतो यो नो सूर्य ज्योतिष जो मिस्वाहा, माम मैं अपने आप को और जो शेष बचे पाप हैं सूर्य की योनि की ज्योतिष में जो हो मिस्वाहा, ऐसा कह करके मैं उनको जो हूँ अर्पित करता हूँ, ताकि हे सूर्य देवता तुम मेरे सारे पापों को नष्ट कर दो और मैं जो हूँ बिल्कुल सब अशुद्धियों से दूर होकर के जो है वो पवित्र हो जाऊं। तो ऐसा करके हथेली में जल लेते हैं और उस जल का आचमन करते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट अवस्था में जो पुजारी है वो एक घंटी बजाता है अपने दूसरे हाथ से और देवताओं का आवाहन करता है। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम आगमार्थम तु देवानाम, गमनार्थम तु रक्षसाम, कुर्वे घंटारवम तत्र देवता आह्वान लांछनम, अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्तारः, ते गच्छन्तुम शिवाज्ञः, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। तो पुजारी कहता है कि आगमार्थम तु देवा नाम, देवताओं के आगमन के लिए, गमनार्थम तु रक्षसाम, और राक्षसों के गमन के लिए, कुर्वे घंटावरम मैं ये घंटी बजाता हूँ, तत्र देवता आह्वान लांछनम, वो जो है वो देवताओं के आने के, देवताओं के आह्वान का लक्षण है। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता, और जो ये भूत हैं, जो विघ्न करता है, जो राक्षस हैं, जो भूमि में स्थित हैं, अब सरपंतु वो सब चले जाएं, ये भूता विघ्न करता रा, और जो विघ्न करने वाले भूत हैं, राक्षस हैं, ते गच्छन तुम शिवाज्ञा, वो भी शिव की आज्ञा से जो है वो यहाँ से चले जाएं। अब क्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, ये सब भूत और पिशाच जो है वो सारे दिशाओं में अपक्रामन्तु चले जाएं, सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे, और इन सब लोगों से, सब बाधाओं से मुक्त होकर अविरोध भाव से मैं ब्रह्म कर्म जो है वो प्रारंभ करता हूँ। तो अब वो घंटा बजाना बंद कर देते हैं और पुजारी जो है वो दिग्बंधा जो मंदिर है उसके लिए तीनों दिशाओं में जो है वो दीवारें खड़ी कर सकता है दृढ़ भाव से, और पूजक लोग भी यही भावना कर पुजारी की सहायता करते हैं। धीरे धीरे ये मंदिर जो है वो पूरा बन जाता है और उसमें ऊंचे लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने की गुंजाइश रहती है। इन मंदिर के बन जाने के बाद और जो मन से पवित्र भावना के हुए हुए जो पुजारी है अब जो है धूप को जलाता है, जो धूप या अगरबत्ती को जलाता है, और उसके बाद जो है वो देवताओं से कामना करता है कि हे देव, जिन शक्तियों से, जिन पवित्र शक्ति से तुम हमारी आत्मा को जो है पवित्र करते हो, वो सहस्त्र धारण हजारों धारों से आकर के हमको पवित्र करे। तो ऐसी भावना करते हुए धूप को जला करके पुजारी जो है वो इन श्लोकों का पाठ करता है, ओम येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुंते सदा, तेन सहस्त्र धारेन पावमान्यः पुनन्तु मा, प्राजापतियं पवित्रं शतोद्यामं हिरण्मयं, तेन ब्रह्म विदो वयं ऊतं ब्रह्म पुनीमहे, इंद्रः सुनीति सह मा पुनातु, सोम स्वस्त्य वरुण समीच्यामः, यमो राजा प्रमणाभि पुनातु मा,
जाति वेद मोर जयंत यह पुनातु। तो वो कहता है ओम येन देवा पवित्रेण, जिससे कि देव जो हैं आत्मानं पुंते सदा, जिस शक्ति से देव जो हैं वो आत्मा को जो है पवित्र करते हैं, तेन सहस्त्र धारेन, वही शक्ति जो है वो सहस्त्र हजारों धार के साथ जो है हमको पावमान्यः पुनन्तुमा, हमको जो है वो पवित्र करे, हमें शुद्ध करे। प्राजापत्यम पवित्रम, जो प्रजापति है उसकी पवित्र जो है बहुत ही पवित्र शक्ति है। शतोद्यामम हिरण्मयम, जो कि हजार तरह से जो है वो चमक वाली है, प्रकाश वाली है, हिरण्मयम और सुनहरी है। तेन ब्रह्म विदो वयम, उस शक्ति को जानने वाले हम ब्रह्म विद, जो ब्रह्म को जानते हैं। उत्तम ब्रह्म पुनीमहे, उस शक्ति से हम ब्रह्म को जो है पवित्र करते हैं। इंद्रः सुनीति सहमा पुनातु, सोमः स्वस्त्यः वरुण समीच्यामः, यमो राजा प्रमणाभि पुनातु मा, जात वेद मोर जयंतयः पुनातु। अब ये कहते हैं कि इंद्र जो है तुम हमको अपने सुनेत से, सुनेत्रत्व से जो है वो पवित्र करो, हमको सही मार्ग पे ले जाओ। सोमा स्वस्त्या वरुण समीच्यामः, सोम जो है सोम देवता हमको स्वस्ति अपनी कल्याणकारी शक्ति से जो है पवित्र करें। वरुण समीच्यामः, और वरुण जो है वो अपनी कल्याणकारी शक्ति से हमको सींचे, हमको शक्ति दे, हमारे प्राण जो है वो तेजवान बनाए। यमो राजा प्रमणाभि पुनातु मा, और जो यम राज हैं वो अपनी संहारक शक्ति से हमारी जितने जो हैं पाप हैं उनका नाश करके हमको पवित्र बनाए। जात वेदः मोर जयंतयः पुनातु, और जो जात वेद है, जो सबको जानने वाला है, वो अग्नि ही है। मोर जयंतयः पुनातु, अपनी बलदायक शक्ति से जो है वो हमको पवित्र करे। तो ऐसी भावना करके जो ऋग्वेद में नवे मंडल के ये जो ऋचाएं हैं इनका पाठ कर ऐसी भावना करते हैं कि सब देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको पवित्र करे। अब ये कहते हैं अग्नि में धूप जलाते हुए वो पुजारी जो है वो चारों दिशाओं में जो है वो धूप सबको दिखाता है, और सब लोग उस धूप को जो है उसकी आरती लेते हैं, और फिर सब लोग मिलकर के ये गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। जो हम सबको पता है ये गायत्री मंत्र का जाप है, ये दीर्घ गायत्री है। कहते हैं ओम भूः, ओम भुवाः, ओम सुवाः, ओम महाः, ओम जनाः, ओम तपाः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। तो इस भावना के साथ जो हमारा परम पिता परमेश्वर है, परमात्मा है, वो परमात्मा ही जो है वो पूरे संसार में व्याप्त है। तो इसके जो ये सात लोक हैं, भू लोक, भुवा, सुवा, महा, जनह, तपाह और सत्यम, जिसको हम थियोसफी में फिजिकल वर्ल्ड, एथरिक वर्ल्ड, उसके बाद जो है एस्ट्रल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, हायर मेंटल वर्ल्ड, बुद्धिक लोक, आत्मिक लोक, परमात्मिक लोक, ये जो सात लोक कहते हैं इनमें वो परमात्मा व्याप्त है, और हम उसी की याचना करते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं कि हे सातों लोक में व्याप्त जो परमपिता परमेश्वर, तत्सवितुर्वरेण्यम, तुम जो हो वो सविता देव द्वारा भी वरण्य हो। भर्गो देवस्य, हे देव, जो तुम्हारा महाकल्याणकारी प्रकाश है, जो भग है, धीमहि, हम उसमें अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, और तुम भी हमारी बुद्धि को जो है वो शुभ कार्यों में प्रेरित करो, शुभ कार्यों में उदित करो। और इसके बाद पुनः प्रार्थना करते हैं
ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, और जो तुम्हारे जीवनदायिनी शक्तिदायिनी कल्याणकारी जो तत्व हैं, आप तत्व, ज्योति तत्व, रस तत्व, अमृत तत्व, ब्रह्म को जो है वो हम उनको प्राप्त करें और उसका जो है हम आनंद और प्रसाद पाए। भूर भुव स्वरोम, और पुनः जो इस मंत्र को जो है हम भू भुआ सुवा करके ये बंद कर देते हैं। तो ये गायत्री मंत्र जो है ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इसमें ये बार बार आएगा, क्योंकि जो हमारी अर्चना है परमपिता परमेश्वर की, वो सविता देव द्वारा ही हम उनकी वंदना कर रहे हैं। और ये हमको मालूम है कि जो ये हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं ये भी एक विल है, और विल जो है वही जीवात्मा जो है वही विल है, और ये विल के द्वारा ही जो है हम इन सातों लोकों में जो है अपने कार्य करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे हमारी इच्छा जो है वो वर्ल्डली डिजायर नहीं है, हमारी इच्छा जो है वो सिर्फ मोक्ष की कामना और परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है। इस ध्यान को रख करके अब हम जो है वो देवताओं का आवाहन करते हैं, देवेभ्यः आह्वानम। तो सबसे पहले जो है अग्नि देवता का हम आवाहन करते हैं, तो पुजारी जो है वो अग्नि की प्रतिष्ठा करता है, ओम भूर्भुवस्वः इति अग्नि प्रतिष्ठानम। तो वो अग्नि जो है लकड़ियां इकट्ठी करके और उसके अंदर जो है वो अग्नि प्रज्वलित करता है, और अग्नि की दोनों ओर जो है अपने हाथ रख करके जो है वो शक्ति प्रवाहित करता है, अग्नि का आवाहन करता है, और उसके स्वागतार्थ ये मंत्र जो है ये पढ़ता है, ये पुजारी ही पढ़ता है। ये मंत्र इस प्रकार से है, ओम चत्वारि श्रृंगः त्रयो अस्य पादः द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यानाविवेश एषु हि देवः प्रदिशो नु सर्वः पूर्वो हि जातः सौ गर्भयन्तः सविजायमानः सजनिष्यमानः प्रत्यंग मुखा तिष्ठति सर्वतो मुखा। तो कहता है कि ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा। ये जो अग्नि रूप है ये परमात्मा का ही रूप है, इसके चार सींग हैं और तीन पैर हैं। तीन पैरों से जो तात्पर्य है जो नीचे के तीन लोक हैं, जो फिजिकल है, एस्ट्रल है और मेंटल है। तो त्रयो अस्य पादा द्वे चत्वारि श्रृंगा, और जो चार लोक हैं वो ऊपर के चार लोक हैं, जो सींग हैं जिसमें मेंटल है, जिसमें हायर मेंटल है, बुद्धिक है और आत्मिक है। तो ये चार लोकों में, सात लोकों में जो है ईश्वर व्याप्त है। द्वे शीर्षे, और इसके दो सिर हैं, एक सिर जो आत्मा है जीवात्मा, व्हिच इज एनग्रॉस्ड इन द वर्ल्ड, वो इस संसार में रचा बसा है, इस संसार को भोग रहा है, और दूसरा परमात्मा है, वो सिर्फ साक्षी भाव से उसको देख रहा है, वो इस संसार में जो है वो लिप्त नहीं है। सप्त हस्तासो अस्य, और इसके सात हाथ हैं, सात हाथ जो है वो सात इंद्रियां हैं, या हाथ समझिए, जिससे कि वो सात लोकों में अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो सात हाथ हैं वो भूलोक या फिजिकल वर्ल्ड में जो है हमारे फिजिकल बॉडी में, वो हमारी दस ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच जो है ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, ये हमारा जो है वो अन्नमय कोश में या फिजिकल वर्ल्ड में है। उसके बाद जो है हमारा प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश में हमारे पांच प्राण है और पांच महाप्राण है। पांच प्राण जो है वो प्राण अपान व्यान उदान समान पर्व पूर्मा संजय करकरा अर्जुन ध्यानम, ये जो पांच महाप्राण है ये हमारे एथरिक वर्ल्ड में है या हमारे प्राणमय कोश में है। उसके बाद जो काममय कोश है, काममय कोश जो हमारी इच्छाओं का भावनाओं का केंद्र है, वह हमारा लोअर मेंटल जो लोअर माइंड है वो उसका जो है उसके थ्रू वो उसमें एक्ट करता है। उसके बाद जो है हायर माइंड है, ये हमारा जो है इंट्यूटिव माइंड है, इंट्यूटिव माइंड जिसको हम प्रज्ञा भी कहते हैं, तो ये प्रज्ञा का लोक है। और उसके बाद जो है फिर हमारा बुद्धि लोक है जिसको हम आनंदमय कोश कह देते हैं, उसमें जो है हमारी बुद्धि उसका जो है वो हस्त है, बुद्धि के द्वारा हम उसमें क्रिया करते हैं।
उसके बाद आत्मलोक है जिसमें आत्मा से ही, आत्मा द्वारा ही क्रिया होती है। तो इस तरह से जो सात हाथ हैं वो इस पुरुष के जो हैं वो बताए गए। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवी, वृषभ जो है वो पशु है जिसको हम बुल भी कहते हैं। ये हमारा पार्श्विक शरीर है जो हमारा फिजिकल फॉर्म है, और त्रिधा बद्धो ये तीन तरह से बंधा हुआ है। ये तीन तरह से जो है, कौन सी तीन तरह है? ये जो तीन गुण हैं प्रकृति के, जो जो तमो है और रजोगुण है और सतोगुण है, इन तीन गुण हुआ विषभो रोरवी, ये गरजता है। इट मीन्स दैट इट एक्ट्स, इट कम्युनिकेट्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये जो जागृत अवस्था में आकर के संसार में जो है अपने को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। महो देवो मर्त्याना विवेश, अब कहता है हे महान देव, मर्त्यान मतलब मॉर्टल्स, जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं और प्राणी हैं, आविवेश तुमने जो है वो मर्त्यों में, प्राणियों में जो है वो अविशेष अवतार लिया हुआ है। तुम इनके रूप में जो है वो लेकर के इस संसार में आ गए हो। अब दुना इसकी प्रार्थना करते हैं, एषु हि देवः प्रदिशो नु सर्वा, यही देव जो परम देव है, जो परमात्मा है, प्रदिशो नु सर्वः, ये सारी दिशाओं में व्याप्त है, सारी जगह फैला हुआ है। पूर्वो हि जातः सौ गर्भयन्तः, वो सबसे पहले पैदा हुआ और वो अब भी गर्भ में है, स्टिल इन द वूम, बीइंग कॉन्स्टेंटली बॉर्न। सजायमानः सजनिष्यमानः, वो जो है पैदा हो रहा है, इट इज स्टिल टेकिंग बर्थ। सजनिष्यमानः, और भविष्य में भी वो पैदा होता रहेगा। प्रत्यंग मुखा तिष्ठति विश्वतो मुखा, और इसका जो एक मुख है वो अंतर्मुख है, प्रत्यक है, जिससे वो आत्मा के दर्शन करता है। और सर्वतो मुखा, और चारों तरफ भी उसके मुख है। तो ऐसा वो परमात्मा है जो सारी दिशाओं में व्याप्त है, वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और अभी गर्भावस्था में है, वो उत्पन्न होता चला जा रहा है और भविष्य में भी उत्पन्न होगा। और उसका मुख जो है वो चारों दिशाओं में है, वो चारों दिशाओं में देख रहा है, अनुभव कर रहा है और कार्य कर रहा है। और सर्वतो मुखा, और अंदर की तरफ भी जो है उसका मुख है। तो इस भावना से हम अग्नि के रूप में परमेश्वर की कल्पना करते हैं और उसकी स्तुति का ज्ञान करके, जो उसकी शक्ति है और जो उसका रूप है उसकी हम कल्पना करके इन मंत्रों का जाप करते हैं। अब पुजारी क्या करता है, वो सबकी ओर से तीन आहुतियां, वो जो अग्नि हमने प्रज्वलित की है, ये आहुतियां जो हैं ये पीपल की भी हो सकती हैं, डूमर की हो सकती हैं, पलाश की या चंदन की, जो भी लकड़ी हो, उस लकड़ी को वो सबकी तरफ से जो है वो अग्नि में डालता है, आहुति देता है, और सब लोग मिलकर के ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। ये तीनों ही अग्नि, सूर्य और प्रजापति जो है वो सूर्य के ही रूप में है, और इसमें पुजारी और सब लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ अग्नये स्वाहा, मैं अग्नि में आहुति देता हूँ। स्वा मतलब मेरी, मैं अपनी आहुति जो है अग्नि में देता हूँ, मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित करता हूँ। आई कंप्लीटली सरेंडर माई सेल्फ टू अग्नि एंड आई प्रे दैट अग्नि शुड टेक कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे शरीर को जो है वो उसको पूर्णता जो है अपने वश में कर दे और इसके थ्रू वही कार्य करे। अग्नये इदं नमः, अब ये जो शरीर है मेरा वो अग्नि का ही है, मेरा नहीं है। लेट दाई विल प्रवेल। ओम सूर्याय स्वाहा, और सूर्य को भी जो है मैं अपनी आहुति देता हूँ। सूर्याय इदं नमः, ये अब सूर्य का है और मेरा नहीं है। ओम प्रजापतये स्वाहा, और प्रजापति को भी मैं आहुति देता हूँ अपने सारे शरीरों की। प्रजापतये इदं नमः, अब ये प्रजापति का है, मेरा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो इट्स नॉट माई विल, हमारी मॉर्टल विल नहीं है, जो डिवाइन विल है उसके आगे मैं सरेंडर करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारे देवता जो हैं
वो मुझको सही मार्ग पे ले जाएं और मुझसे सही कार्य करवाएं और हमारा कल्याण करें। तो ये जो आहुति देने के बाद प्रत्येक मंत्र जो है वो एक संविधा घी लगाकर, एक संविधा जो पुजारी है उसको घी में लगा करके उसको होम करती हैं और उसके बाद अपने को अग्नि को अर्पण करते हैं और उसके आगे जो है फिर हम अग्नि से ये प्रार्थना के मंत्र पढ़ते हैं। ओम अग्ने न सुपथाराये अस्मानी विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युजोद्यस्मज्जुहुराण मेनो होष्ठां ते नमः उक्तिम विधेम। कहता हे अग्नि, न मतलब लीड मी सुपथा फ्रॉम द राइट पाथ राय आसमान, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए तुम हमें अच्छे मार्ग पे ले चलो। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे अग्नि तुम विद्वान हो, विश्वानि देव वयुनान और सारे विश्व के समस्त मार्गों को समस्त युक्तियों को जानने वाले हो। योध्यस्मज्जुहुरान मेनो, हमें हमारे सारे पाप कर्म जो हमको नीचे की अवस्था में ले जाते हैं उस कुमार्ग से तुम हमें निकालो। और हुरान मेनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम, और भांत भांत के बहुत सुंदर सूक्तों से हम आपका अभिवादन करते हैं और हम आपको नमस्कार करते हैं। ये मंत्र जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 179वीं सूक्त है और ये और भी उपनिषदों में भी मिलता है। अब आगे प्रार्थना करते हुए हम कहते हैं, ओम मित्रस्य चर्षणि घृता श्रवो देवस्य सानसिम सत्यम चित्र स्रवस्तमम मित्रो जनानि याति यति प्रजानन मित्रो दाधार पृथ्वी मुतद्याम मित्रः कृष्टि अनिमिषाभिचष्टे सत्याय हव्यं घृतवदधेम प्रसामित्रमर्तो अस्तु प्रयस्वान यस्ते आदित्य शिक्षति वृतेन न हन्यते न जीयते तोतो नयन न हनहो अश्नो तयन्ति तो न दूरात। अब जो अग्नि का मित्र का भाव, जो मित्र देवता है, ये भी सूर्य एक ही है, सूर्य के ही एक प्रकार के देवते हैं जिसमें उनका ये प्रभाव रहता है। ये आदित्य है, सूर्य है, मित्र है, अग्नि है, ये सब सविता देव के ही रूप हैं जिनका कार्य अलग अलग है। कहते हैं मित्रस्य चर्षणि घृता श्रवो देवस्य सानसिम सत्यम चित्र सर्वस्तमम। कहते जो मित्र है चर्षणि घृता, ये सभी प्राणियों का जो है आधार है, सभी प्राणियों को जो है उनका लालन पालन करने वाले हैं, सभी प्राणों पे जो है वो उनपे दृष्टि रखते हैं, उनको संचालित करते हैं। श्रवो देवस्य सानसिम, और उस देव का, मित्र देव का जो गुणगान है वो बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत मधुर है, बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे फल देने वाला है। सत्यम चित्र सवस्तमम, और उनका जो चित्र है वो बहुत ही अद्भुत है, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सत्य है। मित्रो जनानि याति यति प्रजानन, मित्र जो है वो सब कुछ जानने वाला है। याति यति प्रजानन, जो भी मार्ग है, अच्छे मार्ग हैं, उससे प्रजा को, अपने जो उपासक हैं उनको जो है वो सही मार्ग पे ले जाता है। मित्रो दाधार पृथ्वी मुतद्याम, और मित्र जो है वही आधार है। पृथ्वी मुतद्याम, पृथ्वी और उद्याम स्वर्ग दोनों का आधार जो है, दोनों की जो है वो रचना करता, दोनों का जो सपोर्ट है वो मित्र देवता जो है वही कर रहे हैं। और हे मित्र देवा, हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं और सुंदर सुंदर जो है वो सूत्रों से हम तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। मित्रः कृष्टि अनिमिषाभिचष्टे, मित्र देवता कृष्टि जो सृष्टि है, जो मनुष्य है, अनिमिषा बिना पलक झपकाए, अभिचष्टे उसको देखता रहता है, बराबर निगरानी करता रहता है और कहीं भी कुछ जो है वो जो अप्रिय होने की आशंका हो या अनिष्ट होने की हो तो तुरंत उसका जो है वो समाधान करता है। सत्याय हव्यम गतव्यम, हे अग्नि पुरुष, हे मित्र पुरुष, मैं घृत की हवि दे करके तुम्हारा अभिवादन करता हूँ, तुम्हारा जो है वो मैं पूजा करता हूँ। प्रसामित्र मर्तो अस्तु प्रेयस्वान,
हे मित्र मर्तो, जो भी मनुष्य है अस्तु प्रेयस्वान, वो ऐश्वर्यवान हो जाए, वो सुखी हो जाए, उसको सब सुख संपदा मिल जाए। यस्ते आदित्य शिक्षति वृतेन, जो आदित्य यानी सूर्य की जो है वो शिक्षा का व्रतेन पालन करता है, जो आदित्य के बताए हुए मार्ग पर चलता है, ब्रह्मचर्य पे चलता है, वो जो है उसकी सब बाधाएं दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, वो सुख हो जाए और ऐश्वर्यवान हो जाए। न हन्यते न जीयते त्वेतो नयन, ना उसकी कभी हानि हो न जीयते, ना वो जीता जाए तो नयन, न हन हो अश्नो तयन तितो दूरात, और उसको दूर से या पास से कहीं से भी जो है उसको पाप कर्म ना लगे, वो सब तरफ से तुम्हारी द्वारा रक्षित किया हुआ जो है वो प्रसन्न हो जाए और तुम्हारे प्रसाद को प्राप्त करे। ये मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 59th जो है वो ऋचा है, सुक्त है। अब इसके बाद जो अग्नि है वो अग्नि सबको दिखाई दी जाती है और फिर उसकी भस्म जो है वो लेकर के अपनी जो अनामिका रिंग फिंगर है उसमें व्यक्ति ले लेते हैं और उसके बाद नीचे का मंत्र पढ़ते हुए अपने जो चक्रों को उस अग्नि से इस भावना से छूते हैं कि जो प्रसाद उन्होंने अग्नि में अग्निदेव ने भरा है उसके प्रभाव से उनके सारे अंग जो हैं वो सारे चक्र जो हैं वो खुल जाएंगे और वो जो हैं बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तो नीचे का मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूति शिरसि, ओम भुवः इति ललाटे, ओम स्वः इति कंठे, ओम महः इति नाभौ, ओम जनः इति हृदये, ओम तपः इति वाम स्कंधे, ओम सत्यम इति दक्षिण स्कंधे, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम इति पुनः शिरसि। तो कहते हैं ओम भू इति शिरसि, जो सर्प है पहले उसमें जो हमारा सहस्त्रार चक्र है उसको तू छूते हैं, ओम भुवा इति ललाटे, और भूलोक का जो चक्र अज्ञा चक्र है वो जो हमारे दोनों भावों के बीच में है उसका स्पर्श करते हैं, ओम सुवाह इति कंठे, और जो सुवाह लोक है स्वर्ग लोक है जिसका कि कंठ चक्र है जो कंठ में है उसको हम स्पर्श करते हैं, ओम महा इति नाभो, और नाभि चक्र को स्पर्श करते हैं, ओम जनाह इति हृदय, और हृदय को हम स्पर्श करके ये भावना करते हैं कि हमारा हृदय चक्र जो है वो भी जागृत हो गया है, ओम तपाह इति वाम स्कंधे, और उसके बाद बाएं कंधे को हम छूते हैं, ओम सत्यम इति दक्षिण स्कंधे, और फिर जो दक्षिण दाहिना कंधा है उसको छूते हैं, और उसके बाद पुनः हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम इति पुनः शिरसि। तो गायत्री मंत्र का अर्थ हम पहले कह आए हैं, उसी भावना से मंत्र का जाप करके पुनः हम सहस्त्रार चक्र जो सर पे है उसको जो है हम उसका स्पर्श करते हैं और ये भावना करते हैं कि जो हमने इस पूजा से जो अग्नि में शक्ति भरी है उस शक्ति से हमारे ये पांच चक्र हैं ये जाग उठे हैं और विशेष क्रियावान हुए हैं। और ये मंदिर स्वरूप में अब क्या होता है कि स्वर लोक की प्रकृति भर जाती है, इसके आगे जल तत्व के देवताओं का हम आह्वान करते हैं और उस रूप में भुवा लोक की प्रकृति समा जाएगी। अब भुवा लोक के देवता हमको पता है ये वरुण देव हैं, जल देव हैं, ये आप देव हैं, आपो देवता जलो देव। तो अब जो पुजारी है वो वरुण देव का आवाहन करता है और कहता है, ओम दधिक्रावनो अकारिषम जिष्णो अस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाः करति प्राणायुंशितारिषति। ओम दधि क्रावनो, दधि मतलब देने वाले, क्रावनो तरह तरह के जो है हमको पुण्य और कल्याण को देने वाले, अकारिषम उनको प्रसन्न करने के लिए मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ, जिष्णो अस्वस्य वाजिनः, जिनकी शक्तियां जो हैं
वो बहुत शक्तिशाली, बहुत तेज दौड़ने वाले और सदा जीतने वाले घोड़ों के समान जो हैं वो तीव्र हैं। ओम सुरभिनो मुखाकरति, और वो अपने अमृत रूपी प्रसाद से, कल्याण से हम अपने मुख से उनका पान करें, प्राणायुंसि तारिषति, और वो हमारे प्राण को जो है वो तार दे, यानी हमारा जीवन अपार कर दे। ऐसा करके हम आप देवता और जल देवता का आवाहन करते हैं। अब इसके बाद पुजारी इसे पढ़कर एक पात्र में पानी डालता है, वो पानी अंत में प्रसाद बन जाता है। तो पानी डालते हुए वो ये मंत्र पढ़ता है जो आप देवता को प्रसन्न करने के लिए और उनकी शक्ति का आवाहन करता है कि पात्र में वो जो जल भर रहा है उस जल में वो शक्तियां आ जाएं। कहते हैं, ओम आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता ऊर्जे दधातना महेरनाय चक्षसे यो वह शिव तमो रसस्तस्य भाजयते हेना उशति रिव मात्रः तस्मारं गमां वो यक्षक्षयाय जिन्यथा आपो जन्यथा चना। तो वो कहता है कि ओम आपो हिष्टा मयो भुवस्ता, हे आप देवता हिष्टा, तुम आनंद के मूल हो, आनंद प्रदाप करने वाले हो। मयो भुवस्ता, तुम हमको जो है वो शक्तिमान बनाओ। ऊर्जे दधातना, और ऊर्जा प्रवाहित करो। महेरनाय चक्षे, और बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से जो है तुम हमको देखो, अपनी कृपा हमको दो, हमको बनाए रखो। यो वह शिव तमो रसस्तस्य, और जो तुम्हारा ये रस है जो शिव तमो है, जो अत्यंत कल्याणकारी है, भाजे ते हेना, उसको मैं जो है उसको हम पान करें, उसको जो है हम सेवन करें। उशति रिव मात्रा, और ये तुम्हारा रस जो है वो बहुत ही प्रेम करने वाली माताएं जो होती हैं, जो उनका भाव है उस तरह से ये रस जो है ये हमारा कल्याण करे, हम इस रस को प्राप्त करें। तस्मारं गमां वो यक्षक्षाय जिन्वथा, और जो ये तुम्हारा जो है अत्यंत कल्याणकारी जो रस है इसको लेने के लिए, पाने के लिए, अरम गमाम, हम बहुत तेजी से जो है तुम्हारी तरफ आते हैं। आपो जन्यथा चना, और तुम हमसे संतान उत्पन्न कराओ। वो उससे कामना करता है कि हमसे जो है अच्छी अच्छी संतान जो है वो आप उत्पन्न कराएं। अब जो है आगे अब सब कहते हैं, फिर से वरुण देवता की जो है वो स्तुति करते हुए ये जो है मंत्र पढ़ते हैं, और ये मंत्र जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 9वां सूक्त है, और ये अथर्ववेद और सामवेद में भी पढ़ता है, और ये काफी जो है बहुत ही उत्तम मंत्रों में से माना जाता है। तो इसको पढ़ते हुए हम कहते हैं, ओम आपो वैदम सर्वम विश्वाभूतानि आपः प्राणावापः पशुवापो अन्नमापो अमृतम आप सम्राडापो विराडे आपः स्वराडे आपः छंदांशापो ज्योतिंशापो यजुंशी आपः सत्यम आपः सर्वदेवता आपो भुवस्वरापो। कहता ओम आपो वैदम सर्वम, ये जो कुछ जितना है ये सब कुछ आप है, सब कुछ जल ही है। विश्वाभूतानि आपः, और जितने भी ये भूत हैं, प्राणी हैं इस विश्व में, वो सब जल ही हैं। प्राणावापः, और जो प्राण है वो भी जल है। पशुवा आपो अन्नम आपो अमृतम आपः, ये जो पशु हैं ये भी जल है, अन्न भी जल है, अमृत भी जल है। सम्राट आपो, ये सम्राट जो हिरण्य गर्भ है वो भी जल है। विराड आपो, ये पुरुष भी जल है। स्वराड आपह, ये ईश्वर भी जल है। छंदांश्यो आपो, ये जो छंद ये तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सब भी जल है। ज्योतिष आपो, और जितनी ये ज्योतियां हैं, जितने तारे नक्षत्र सूर्य, ये सब भी जल है। यजुंश्याय आपह, और जो यजुंश हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो भी जल है। सत्यम आपह, और सत्य भी जल है। सर्वा देवता आपो, सारे देवता भी जो हैं वो भी जल का ही रूप हैं। भूर भुवस्वरापो, और ऐसा करके
इस मंत्र को जो है वो बंद कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी ईश्वर है वो अग्नि के रूप में भी है, जल के रूप में भी है, तेज के रूप में भी है, रस के रूप में है, अमृत में है, ब्रह्म है, जितना भी उसका रूप है उसी का सारा रूप जो है वो इन सब प्राणियों में उसी से उत्पन्न हुए हैं और उसी के रूप में हैं और उसी से उनका निर्माण हुआ है। और ये हमने आप तत्व की जो है स्तुत करते हुए आपके माध्यम से ईश्वर की स्तुति की। अब जो पुजारी है इस मंत्र में जल से शक्ति भरता है तो पुजारी उसके ऊपर हाथ रख करके शक्ति के मंत्र पढ़ता है और कहता है ओम इमम मे वरुण सुधि हवमद्या च मृड्या त्वाम अवस्यु याचके तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानि इस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः अहिर्मानो वरुणेः बोधुर शंश समाना आयु प्रमोषि यच्चिद्धीते विशो यथा प्रदेव वरुणावृतम् मिनीमसि द्यवी द्यवी यत किंचेदं वरुण दैव्ये जने अभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि अचित्ती यत्तव धर्मायुयोपि मा मानस्तस्मादेन सो देवरीशः कितवासौ यद्र रिपूर्ण दिवि यद्वाधा सत्मुत यन्न विद्न सर्वाथा विश्चित्रेव देवा यथा तेषां वरुण पियासा। तो ये वंदना जो है वो वरुण की करते हैं और ये कहते हैं कि ओम इमम में वरुण।